सिवाना के ग्राम पंचायत धारणा में एक सरकारी स्कूल में घुसकर शिक्षकों पर चाकूबाजी करने वाले आरोपी ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। पूछताछ में उसने बताया कि उसे उसके डेथ सर्टिफिकेट बना होने की सूचना मिली थी। ऐसे में उसे लगता था कि उसकी जमीन जायदाद हड़प ली जाएगी। अपने जिंदा होने का सबूत देने के लिए उसने स्कूल में घुसकर हमला करने की योजना बनाई थी। उसने बताया कि वो बार बार ऐसी हरकतें करता जिससे उसे पुलिस पकड़ कर ले जाए और वो सरकारी रिकॉर्ड में जिंदा होने का सबूत दे सके। बालोतरा जिले के सिवाना थाना इलाके में एक सरकारी स्कूल में हुई चाकूबाजी की इस घटना में पकड़े गए आरोपी बाबूराम के खुलासे के बाद हर कोई दंग रह गया। सिवाना के धारणा गांव के एक सरकारी स्कूल में घुसकर शिक्षकों पर चाकूबाजी करने वाले आरोपी ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। पूछताछ में उसने बताया कि उसे उसके डेथ सर्टिफिकेट बना होने की सूचना मिली थी। ऐसे में उसे लगता था कि उसकी जमीन जायदाद हड़प ली जाएगी। अपने जिंदा होने का सबूत देने के लिए स्कूल में घुसकर हमला करने की योजना बनाई थी। उसने बताया कि वो बार बार ऐसी हरकतें करता जिससे उसे पुलिस पकड़ कर ले जाए और वो सरकारी रिकॉर्ड में जिंदा होने का सबूत दे सके। बालोतरा जिले के सिवाना थाना इलाके में एक सरकारी स्कूल में हुई चाकूबाजी की इस घटना और पकड़े गए आरोपी के खुलासे के बाद हर कोई दंग रह गया। आरोपी बाबूराम, जिसकी उम्र 40 वर्ष है, उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उसने खुद के जिंदा होने के सबूत के लिए इस घटना को खारिज करने की बात कही। सिवाना थानाधिकारी इमरान खान के मुताबिक, हम संबंधित ग्राम पंचायत और तहसील में पता कर रहे हैं कि मृत्यु प्रमाण पत्र कब बना और किसने बनाया। पूछताछ लगातार जारी है। वहीं बालोतरा एसपी कुंदन कंवरिया ने बताया कि 19 जुलाई को चूलीबेरा ग्राम धारणा की सरकारी स्कूल में छात्रों और शिक्षकों को बंधक बनाने और हमला करने का मामला सामने आया था। उन्होंने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए सिवाना और सिंदरी थाने का जाप्ता बुलाया गया था। पुलिस ने इस मामले में आरोपी बाबूराम को पकड़ा है। बाबूराम ने चाकूबाजी करते हुए स्कूल के कार्यवाहक प्रधान अध्यापक हरदयाल सैनी, अध्यापक सुरेश और ग्रामीण भीखारंग पर हमला कर दिया था। इसमें प्रधानाध्यापक हरदयाल सैनी, अध्यापक सुरेश गंभीर घायल हो गए थे। इसके बाद मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने भी बाबूराम को पकड़कर मारपीट की थी। आरोपी बाबूराम को गंभीर हालत में जोधपुर ले जाया गया था। साथ ही हमले में घायल प्रधानाध्यापक हरदयाल सैनी, अध्यापक सुरेश को जिला अस्पताल में प्राथमिक इलाज के लिए जोधपुर एम्स रेफर कर दिया था। इसके बाद घटना के स्कूल में होने की वजह से SIT का गठन किया गया था। रिपोर्ट में नई धाराओं के अनुसार स्कूल की महिला शिक्षिका निर्मला ने दी थी। मैं 19 जुलाई को टीचर्स पर चाकूबाजी की घटना की सूचना मिलने पर सर्किल सिवाना का जाता मौके पर पहुंचा। मामले की गंभीरता को देखते हुए सिवाना एडिशनल एसपी साहब मौके पर पहुंचे तथा भीड़ को कंट्रोल किया। भीड़ से घटना को खारिज करने वाले बाबूराम भीड़ को सुरक्षित रूप से निकालकर सिवाना हॉस्पिटल लेकर उसका इलाज करवाया। तथा बाद बाबूराम भील से पूछताछ की गई तथा उसे अनुसंधान किया गया। दौरान अनुसंधान बाबूराम भील ने बताया कि वह प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए तथा नाम कमाने के लिए और न्यूसेंस फैलाने के लिए उसने इस कृत्य को अंजाम दिया है। इस मामले में SIT का गठन किया गया था। मोबाइल फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया था। घायल आरोपी के ठीक होने के बाद 22 जुलाई को उससे पूछताछ की तो सामने आया कि उसके परिजन और पड़ोसियों से ये कहते सुना था कि उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बना हुआ है। ऐसे में उसके मन में ये ख्याल आते थे कि अगर उसे या उसकी पत्नी बच्चों को कुछ हो गया तो उसकी जमीन जायदाद हड़प ली जाएगी। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि इसी डर से खुद को जिंदा होने का सबूत देने के लिए वो बार बार ऐसी घटनाएं करता जिससे उसे पुलिस पकड़ कर ले जाए। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह पत्नी से झगड़ा कर लेता। वह पहले भी मीठोड़ा में मोबाइल टावर पर चढ़ गया था। पूछताछ में सामने आया कि बाबूराम बस से चूलीबेरा पहुंचने पर स्कूल के सामने बस से उतरा तो उस समय आरोपी के दिमाग में आया कि स्कूली बच्चों को बंधक बनाकर खुद के जिंदा होने का सबूत देगा। उसी समय आरोपी बाबूराम स्कूल में क्लासरूम में घुस गया। आरोपी ने बच्चे और अध्यापकों को बंधक बनाने का प्रयास किया। जैसे ही ग्रामीणों की भीड़ जुटी वो घबरा गया और हमला कर भागने लगा।